वो धर्मा भाई वो एलसीएम और एचसीएम के क्वेश्चन है वो जो सोल्व ना हुई थे। देखो तो क्वेश्चनवा है कि 1 और 300 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 3 और 5 से विभाज्य होती है। अब बतैलू तो हो कि कैरियर मेकर कोचिंग सेंटर में जाके जो है एक शॉर्ट मैथ के जो है एक प्ले लिस्ट है ओकरा में जाके देख ले। आज जो है 12 बजे एलसीएम और एचसीएम के वीडियो अपलोड होए वाला है तो ओकर जरूर देखिए और लोगों में शेयर भी कर दी ताकि हर कोई भी देख सकले है। और ये 2 दिन जो है एलसीएम और एचसीएम चैप्टर चलता है तो जरूर देखिए। तो आज जो हम शॉर्ट वीडियो लेकर फिर से आ गए हैं और ये हमारा चैप्टर है। इसमें हमने जो है बेसिक तरीके से एलसीएम एंड एचसीएफ का जो है क्वेश्चन को जो है शामिल किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें कि जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं जुड़ चुके हैं वो चैनल को एक बार लाइक कर देंगे और जो लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी ईजी से क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट किया इसमें। देखिए महत्तम समापवर्तक तक ज्ञात करना है 144, 180 और 108 का। तो इसको आप कितना जल्दी में और कौन से मेथड से जल्दी जो है आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है तो देखिए इसके दो मेथड होते हैं, एक भाग विधि और एक अभाज्य गुणनखंड विधि। तो हम जो है इसको बताने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। भाग विधि तो आपने बचपन में पढ़ा ही होगा। अब 144 को क्या करते हैं, हम तोड़ देते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 37, 48, 48 तिया 38 24 36 12, ये हो जाएगा। अब इसको आप जो है अलग से आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। ये कितना आ जाएगा, 7 और ये 2 72, तो आप इस तरह से 36 तो 2 हो जाएगा, 18 2 तो 9 हो जाएगा, 3 यानी 2 कितना हो गया, 1 2 3 4 2 हो गए, 3 कितने 2, 144 का निकल गया। अब 180 का ऐसे ही, 180 है ना, 180 2 बराबर 2 गुने 2 दूनी 4 38 12 36 36 5 180। ठीक है ये हो गया। अब 108 तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 38 12 36 36 78 से। ठीक है ये हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंड हमने कर दिया। अब एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ होता क्या है, तीनों में जो कॉमन होगा वही तो एचसीएफ होगा। तो देखिए ये कॉमन हो रहा है ना, मिल गया तीनों। ठीक है अब 3 मिल गया ना। अब बाकी देखिए और मिल रहे हैं, और भी मिल रहे हैं ना, 2 और मिलेंगे ना। देखिए ये दो दोनों में है और ये 2। ठीक है यानी कितने आ रहे हैं, 2 कॉमन आ गए और एक और 2 कॉमन में आया है। ठीक है 2 कॉमन में आ गए, फिर कितना, 3 कितने आ रहे हैं, 2 3, इधर भी 2 गो है और इधर भी 2 गो है और इधर भी 2, तो 3 गो हम 2 बार लिख देंगे। तो देखिए 2 दूनी 4 36 12 36 36 हमारा राइट आंसर होगा। यानी जो कॉमन होगा उसको हम बाहर निकाल देंगे जो तीनों में शामिल होगा। यानी ये जो 2 है ये 2 इधर भी शामिल है, इधर भी शामिल है और इधर भी शामिल है, तो ये 2 हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है और इसमें भी 3 जो है 2 है और यहाँ भी 3 जो है 2 है और यहाँ भी जो है, तो जो तीनों में इंक्लूड है उसी को हमें बाहर निकालना है। तो ये हमने बाहर निकाल दिया, तुम्हारा राइट आंसर आ गया 36। ठीक है आपको समझ में आ गया अभाज्य गुणनखंड द्वारा कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट 36 और 108 का एचसीएफ ज्ञात करना है। 36 को आप क्या लिखेंगे, 36 को आप लिखेंगे 2 दूनी 4 38 12 38 36, ये हो गया। अब 108 को अपने पहले भी लिख चुका है, 2 दूनी 4 38 12 38 36 36 78 से 108 आ गया। अब एचसीएफ हमने क्या बताया था, दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो ये देखिए दोनों में कॉमन हो रहा है ना, एक इधर भी कॉमन हो रहा है
ठीक है, और ये तीन भी कॉमन हो रहा है दोनों में, और यहाँ भी एक तीन कॉमन में हो रहा है, तो ये दो हमने बाहर निकाल दिया इसके लिए, और इसके लिए एक दो बाहर, उसके लिए तीन, और फिर इसके लिए तीन, तो दो दोनों चार, चढ़ती है बारह, बढ़ती है छत्तीस, तो छत्तीस भी हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर चार। नेक्स्ट है एलसीएम निकालना है, देखिए एलसीएम निकालना है किसका, बारह सोलह, क्या करते हैं हम बारह को लिख देंगे दो दूनी चार, चढ़ती है बारह, सोलह को अब क्या लिखेंगे दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी सोलह, और तीस को आप दो गुने तीन द्वितीय छः, छः छः पैंतीस, ठीक है, ये आ गया। अब एचसीएफ का तो होता था तो हम जो भी कॉमन होता है उसको बाहर निकालते थे, पर एलसीएम का मैटर अलग है, ठीक है। अब देखिए सबसे छोटी संख्या इसमें दो कौन है, दो है ना, दो सबसे ज़्यादा बार जहाँ लिखा होगा वही लिख देंगे, इसमें सबसे ज़्यादा बार दो बार है, इसमें सबसे ज़्यादा बार एक दो तीन चार बार है, तो इसी को हम पहले लिखेंगे, जो ज़्यादा होता है उसी को लिखते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है, दो के बाद तीन आता है, और तीन सबसे ज़्यादा बार कहाँ लिखा हुआ है, तीन एक ही बार है, यहाँ भी एक ही, तो एक हमने लिख दिया। अब आती है पाँच की बारी, तो पाँच सबसे ज़्यादा बार एक ही बार है, तो पाँच हमने लिख दिया। अब दो दुनी चार, चार दुनी आठ, आठ सोलह, सोड़ती अड़तालीस, अड़तालीस पच्चीस दो सौ चालीस, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं पाँच अंकों की, पाँच अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15 और 18 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। जब भी छोटी छोटी संख्या लिखा हुआ रहे तो इसका मतलब है कि हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। और एलसीएम किसका लिख लेगा, 12, 15 और 18 का एलसीएम, ठीक है। तो आप 12 को लिख सकते हैं ना, दो दुनी चार, चढ़ती है बारह, 15 को आप तीन गुने पाँच, और 18 को क्या लिखते हैं, दो गुने तीन, तीन छः छत्री अठारह, तो एलसीएम इसका कितना आ गया, दो है दो बार, तो दो दुनी चार, अब तीन दो बार, तो डायरेक्ट हम तीन तीन नौ क्यों नहीं लिख देते हैं, यही है दो दुनी चार, नौ चौका छत्तीस, यानी छत्तीस हमारा, छत्तीस गलत नहीं, पांच भी एक बार है ना, छत्तीस पच्चे, हाँ दो दुनी चार, नौ चौका छत्तीस, छत्तीस पच्चे एक सौ अस्सी आएगा, तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 180। अब 180 में हम भाग देंगे, पाँच अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कितनी होती है, पाँच अंकों की छोटी संख्या, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, इसमें भाग देना है किसने, 180 से भाग देना है। अब काटिए इसको, कटेगा कि नहीं, 18 पच्चे 90 यानी 900, जीरो जीरो 10 में से 9 गया एक, फिर जीरो 18 पच्चे 90 यानी 900, जीरो जीरो 100। अब जो है वो छोटी संख्या क्या होंगे, तो छोटी संख्या बराबर कितना है, एक अंकों की छोटी, पांच अंकों की छोटी संख्या, एक दो तीन चार पाँच, ये हो गया पांच अंकों की छोटी संख्या में हम जो है क्या करेंगे, प्लस करके 180 माइनस 100 ये जो आया है इसको हम घटा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा चार जीरो है ना, प्लस इसको घटाएंगे तो 80, और जोड़ने के बाद 100 80 जो है हमारा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर पार चार जो है। इस तरह के क्वेश्चन को जो है ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट है चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 15, 25, 40 और 75 से विभाजित हो। अब देखिए यहाँ पे बड़ी संख्या की बातें हो रही है, वहाँ पे छोटी था तो उसके लिए हमने अलग टॉपिक लगाया था, छोटी था तो हमने क्या किया था, भाज्य प्लस भाजक और ये माइनस शेष कर दिया था, ठीक। तो यह चार अंकों की बड़ी, पहले तो इसको हम एलसीएम लिखा लेंगे, तो एलसीएम लिखा लिया, इसको 15 को आप तीन गुने पाँच लिखिए, 25 को पाँच गुने पाँच, और दो दुनी चार, चार दुनी आठ, आठ पंच चालीस, और इसको आप लिख सकते हैं तीन,
75 यानी 3×5×5। ठीक है, अब एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 है, 2 कितना बार है, 3 बार, तो ये हो जाएगा 8 गुने फिर 3 एक बार, 3×5 दो बार यानी 25, तो 25 200 300 600 हमारा एलसीएम आ गया। अब जो है कह रहा है चार अंकों की बड़ी से संख्या का मतलब 4×9, अब भाग दे देंगे किससे, 600 से, एक मरतबे कितना आ जाएगा 600, ये हो जाएगा 9×9=399, फिर 9 से। ठीक है, अब दे 6×6=3600, 9×9=3, ठीक है, तो आ गया 399 शेष आ गया। अब बड़ी संख्या निकालने की बात हो रही है, तो अगर बड़ी संख्या की बात किया जाए तो बड़ी संख्या बराबर कितना है भाज्य, 9999 में से आप जो है शेष को घटा लें, तो यही जो है हमारा राइट आंसर होगा। तो आप घटाइए 0 0 9 3 6 यानी 9600 जो है हमारा राइट आंसर हो गया। यहाँ देखिए कह रहे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 2497 में जोड़ने पर 5, 6, 4 और 3 से पूर्णतः विभाजित, तो 5, 6, 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इसको निकालिए, तो एलसीएम जो है इसका 60 आ जाएगा। अब 60 जो है, अब 60 से भाग किसको देना है, 2497, 2497 में 60 से डिवाइड, तो ये 4 मरतबे कट गया, 240, 9, 7, एक मरतबे कितना 60, 7×9=3। तो कह रहा है कि 2497 में क्या जोड़ा जाए, अगर यहाँ 60 होता तो ये कट जाता, तो ये कितना जोड़ा जाए कि ये 60 आ जाए, तो आप क्या करेंगे 60 में से 37 घटा देंगे, तो कितना, 10 में 7 गया 3, ये 5 5 में से 3 गया 2, यानी हम 23 अगर जोड़ देंगे किसमें, 2497 में, तो ये सभी से जो है भाग लग जाएगा, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 23।